Hello dear students, now I am going to start class 5th mathematics Prachi publication. It is chapter number 7 decimals, exercise 7.3. In exercise 7.3, the first question is fill in the blanks. Total 5 fill in the blanks are there. First is addition of 0.3 plus 3.0. इस एक्सरसाइज में हमें डेसिमल्स का एडिशन करना है और डेसिमल का एडिशन करने के लिए हमें इसे पहले कॉलम्स में अरेंज करना होता है. सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि कॉलम में कैसे अरेंज किया जाता है. हमें यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है, दोनों नंबर में डेसिमल है, तो सबसे पहले हम डेसिमल प्लेस करेंगे. आप दोनों का डेसिमल लगा लीजिए. फर्स्ट नंबर में डेसिमल के वंस प्लेस पे 0 है और सेकंड नंबर में डेसिमल के पास वंस प्लेस पर 3 है. फर्स्ट नंबर में डेसिमल के 10th प्लेस पर 3 है और सेकंड नंबर में डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर 0 है. आप इस तरह से पहले अरेंज कर लीजिए कॉलम में. अरेंज करने के बाद अब हम इसे ऐड करेंगे. 3 प्लस 0 3 डेसिमल, 0 प्लस 3 3. इस तरह से हमें यहाँ वैल्यू मिल रही है 3.3. इसी तरह से अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को अरेंज करें, सेकेंड क्वेश्चन में भी हमारे पास दोनों जो नंबर्स हैं उनमें डेसिमल है. पहले हम डेसिमल प्लेस करेंगे. डेसिमल प्लेस करने के बाद फर्स्ट नंबर में डेसिमल के वंस प्लेस पे 6 है और सेकंड नंबर में डेसिमल के वंस प्लेस पर 0 है. फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर 1 और सेकंड नंबर में 10th प्लेस पे 0. फर्स्ट नंबर में 100th पे कुछ नहीं है और सेकंड नंबर में 100th पे 4 है. तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं. 4 यहाँ अलोन है, 4 एज इट इज़. 1 प्लस 0 1 डेसिमल, 6 प्लस 0 6. इस तरह से हमें मिल रहा है आंसर 6.14. इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप इजीली सारे फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं. जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड फिल इन द ब्लैंक एक्सप्लेन किया है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप 3rd, 4 और 5 को ऐड कीजिए और इसे कंप्लीट कर लीजिए. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. टोटल 6 क्वेश्चंस आर गिवन. जिस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पहले डेसिमल को कॉलम में अरेंज करना था, फिर उसे ऐड किया, सेम लाइक दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वी हैव टू अरेंज ऑल द given digits and numbers in columns and then we will add it. Let's see the solution of question number 1. Exercise 7.3, question number 2. First question is 9.9, 0.1, 52.7 and 58.0. हम देख रहे हैं हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम 4 डेसिमल यहाँ पे यूज़ करेंगे. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेसिमल को कॉलम में अरेंज करना. एक बार आपने कॉलम में अरेंज करना प्रॉपर सीख लिया तो आपको एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब हम फर्स्ट नंबर में लेंगे वंस प्लेस पर 9, सेकंड नंबर वंस प्लेस 0, थर्ड नंबर वंस प्लेस 2 और फोर्थ नंबर पे वंस प्लेस पर है 8. इसमें वंस प्लेस के बाद कोई नहीं है. इधर टेंथ प्लेस पे 5 है. थर्ड नंबर जो है उसमें टेंथ प्लेस पे 5 है और फोर्थ नंबर में भी टेंथ प्लेस पे 5 लिखना है. इसके बाद हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को देखते हैं. यहाँ 10th प्लेस पे है 9, 10th 1, 10th 7 और 10th
एस ज़ीरो। कॉलम में अरेंज करने के बाद हमें नॉर्मल एडिशन करना है, जिस तरह से हम एडिशन करते आए हैं लोअर क्लासेस में। 9 + 1 = 10, 10 + 7 = 17, कैरी ऑन 1, डेसिमल एज इट इज़। 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 8 = 20, कैरी ऑन 2, 2 + 5 = 7, 7 + 5 = 12। सो लाइक दैट वी गेट द आंसर 120.7। आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसका सेकेंड क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ। आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए आपको डेसिमल किस तरह से अरेंज करनी है। आप डेसिमल अरेंज करना सीख जाएंगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन डेसिमल का इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ भी हमारे पास 4 नंबर्स हैं, हम 4 डेसिमल प्लेस करेंगे। फर्स्ट नंबर में वंस प्लेस पर 0, सेकेंड नंबर में वंस प्लेस पर 4, थर्ड नंबर में वंस प्लेस पर 1 एंड 0, 10th 7, 10th 1, 10th 7, 10th 3, 100th 8, 100th 2, 100th 5, 100th 2, 1000th 9, 1000th 5। यहाँ 1000th नहीं है, इसे हम ब्लैंक छोड़ेंगे। एंड लास्ट नंबर में 1000th 5। नाउ वी विल एड इट। 9 + 5 = 14, 14 + 5 = 19, कैरी ऑन 1, 1 + 8 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 5 = 16, 16 + 2 = 18, कैरी ऑन 1, 1 + 7 = 8, 8 + 1 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 3 = 19, कैरी ऑन 1, 1 + 4 = 5, 5 + 1 = 6। इस तरह से हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा है 6.989। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन शो किया है, सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप इजीली क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले इनमें डेसिमल अरेंज करनी है। पहले वंस प्लेस को अरेंज कीजिए, फिर 10th 8, 100th 8, 1000th 8। आपको पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड के सारे नंबर अरेंज कर लेने चाहिए, 1, 10, 100, और फिर डेसिमल के राइट साइड के नंबर्स को अरेंज कीजिए, 10th 8, 100th 8, 1000th 8। तो आपको इजीली क्वेश्चन नंबर 2 आई होप समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस में हमें अरेंज करके दिए हैं कॉलम में नंबर, हमें यहाँ अरेंज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये हमारे लिए और इजी है, हमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है जैसा हम अभी तक लोअर क्लासेस में करते आए हैं। 2 - 1 = 1, 0 से 6 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, आप सभी जानते हैं। इस कंडीशन में हमें 1 बोरो करना होगा। 2 ने 1 बोरो दिया, 2 के पास अब रिमेन है 1। 10 - 6 = 4, डेसिमल 1 - 1 = 0, 3 - 2 = 1। इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 10.41। आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 1 is smaller than 2, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट, वी बोरो 1। 1 के पास 1 था, वो भी उसने बोरो दे दिया, अब 1 के पास रिमेन है 0। 11 - 2 = 9, 0 से 2 माइनस करना पॉसिबल नहीं है, अगेन बोरो 1। 3 ने 1 बोरो दिया, अब 3 के पास रिमेन है 2।
टेन माइनस टू एट, टू माइनस टू ज़ीरो डेसिमल, फोर माइनस थ्री वन, फोर इज स्मॉलर देन एट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट, बोरो वन, सिक्स के पास रिमेन फाइव, फोर्टीन माइनस एट सिक्स, फाइव माइनस टू थ्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें सब्ट्रैक्शन करने हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें सिंपल वही मेथड यूज़ करनी है जो हम लोअर क्लासेस में करते आते हैं अभी तक। सिर्फ बीच में डेसिमल है तो जहाँ पर डेसिमल आ रहा है आप उस प्लेस पर डेसिमल लगा दीजिए, आपके आंसर में भी डेसिमल की प्लेस फिक्स है। आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम 12। ये फोर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इन सबको हमें 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह हम 12 में से इन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 में डेसिमल नहीं है और आप देख रहे हैं बाकी सारे नंबर्स में हमारे पास डेसिमल है, तो इसे किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7.013 फ्रॉम 12। अब यहाँ पे 12 में जहाँ डेसिमल नहीं है स्टूडेंट, तो हम इसमें लास्ट में डेसिमल पुट ऑन करके इसे लाइक डेसिमल बनाएंगे। लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 जीरोस अप्लाई करेंगे और अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.013। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में किया ऑलरेडी। ज़ीरो इज स्मॉलर देन थ्री, पॉसिबल नहीं है ऐसे सब्ट्रैक्ट करना, तो हमें बोरो लेना होगा। बोरो लेने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। टू ने वन बोरो दिया इस ज़ीरो को, तो यहाँ क्या हुआ हमारे पास 10, और टू के पास कितना रिमेन है 1। ठीक है, अब इस 10 ने अपने पास वाले ज़ीरो को 1 बोरो दिया और इस 10 के पास अब कितना बचा 9, है ना। नाउ इस 10 ने इस 0 को 1 बोरो दिया और इस 10 के पास अब कितना बचा अगेन 9। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0 9, और 1 इज स्मॉलर देन 7। 1 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, हमने इस पास वाले 1 से 1 बोरो लिया और इस 1 के पास बचे 0। 11 माइनस 7 4, एंड लास्ट में 0 है, तो आप 0 भी लिख सकते हैं, आप कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे तो भी आपको आंसर मिल रहा है 4.987। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस में 12 के साथ 3 जीरोस अप्लाई करने हैं और जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करते जाना है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से मैं अरेंज करके दे देती हूँ, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में है 12.002 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3.002। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 12.000 से 6.303, और इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 12.000 से 5.044। तो जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेन किया है उसी तरह से आप, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप उसको रिपीट कीजिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, धीरे से समझ में आता है किस तरह से 10 लिया, 10 ने 1 दिया तो कैसे 9 बच गया हमारे पास। आप इसे देखिए और जिस तरह से फर्स्ट हमने सॉल्व किया है सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कर लीजिए। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर अब हमें जिस तरह हमने एडिशन में कॉलम में अरेंज किया था, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी अब हमें कॉलम्स में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया है, इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए हमें नॉर्मल नंबर्स दिए हैं, हमें अरेंज करके नहीं दिया है, तो हमें पहले अरेंज करना होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 65.005 फ्रॉम 99.449। फ्रॉम मीन्स पहले हमें ऊपर ये वाला नंबर लिखना है और उसके नीचे इस नंबर को अरेंज करना है। सबसे पहले हम डेसिमल प्लेस कर लेते हैं, हमारे दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स के लिए दो डेसिमल हमने लिखी। वंस प्लेस पर हमारे पास है 99, वंस टेंस, और इधर हमारे पास है 56, वंस टेंस, 10th 4, 10th 0, 100th 4, 100th 0, और 1000th 9, 1000th 5। अब हम इसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते आए हैं अभी तक, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी हमें। देखिए, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, 9 माइनस 5 4 और 9 माइनस 6 3। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, 34.444। सेम लाइक दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 64.444 फ्रॉम 99.449। फ्रॉम मीन्स अगेन हमें 99.449 से सब्ट्रैक्ट करना है 64.444। पहले हम डेसिमल प्लेस करेंगे, वंस टेंस, वंस टेंस, 10th 4 4, 100th 4 4 और 1000th 9 4। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 6 3। सो वी गेट आंसर 35.005। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के ये टू क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, सेम वही प्रोसेस यूज़ करते हुए अब आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन क्लियर होंगे। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 है ये कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।